Now next topic is parallelograms on the same base and between same parallels. Figures on the same base and same parallels का एक special case discuss करते हैं हम, जो कि है parallelograms के ऊपर. So figures जो हैं वो तो हमने देख ली कि कोई भी figure अगर same base पर या same parallels के बीच में होती है तो क्या criteria होते हैं उसके लिए. अब एक special case parallelogram study करने के लिए एक थ्योरम देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड. वो थ्योरम क्या है? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होगा. ये थ्योरम ये स्टेट करती है. सो इसके लिए कंसिडर दिस फिगर. इस फिगर में हमारे पास है A, B, C, D एक पैरेललोग्राम और E, F, C, D दूसरा पैरेललोग्राम. ठीक है, ये दोनों ही बेस DC के ऊपर हैं और DC और AF दो पैरेलल लाइन के बीच. लेट अस सी द प्रूफ. दो पैरेललोग्राम हैं A, B, C, D एंड E, F, C, D. सेम बेस है DC, सेम पैरेलल लाइन है AF एंड DC. ये भी हमने देखा. हमें ये प्रूफ करना है कि A, B, C, D का एरिया E, F, C, D के एरिया के इक्वल है. ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF. सो ट्राइंगल ADE है ये वाला, ठीक है, कॉर्नर वाला एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल BCF है दूसरे कॉर्नर वाला ट्राइंगल. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर DAE और CBF ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि AD और BC पैरेलल है और AF एक ट्रांसवर्सल है. DA, DAE ये वाला एंगल और CBF ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, नेक्स्ट है AED और BFC भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. क्यों? AED और CFB ये दोनों भी corresponding angles हैं क्योंकि EF और DC parallel हैं. दो चीजें हो गई हमारे पास और इसी की वजह से ADE और BCF भी equal हो गए, जो बचे हुए दो angles हैं angles and property की वजह से. और AD और BC तो equal है ही क्योंकि parallelogram की opposite sides equal होती हैं. So इसकी वजह से हम कह सकते हैं by ASA rule और 1, 3 और 4 यूज करके 1, 3 and 4 equation यूज करके हम कह सकते हैं ADE और BCF दोनों triangles जो हमने consider किए थे वो congruent हैं और ultimately दो congruent triangles का area तो equal होता है क्योंकि congruent figures they have equal areas. अब ABCD का area क्या होगा? पूरा ABCD का एरिया होगा ADE और EFCD दोनों को प्लस करें ADE प्लस EDCB दोनों को प्लस किया. ADE की जगह हमने BCF को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि दोनों सेम है प्लस ये ऐसे ही. अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? EFCD. तो अल्टीमेटली ABCD और EFCD इक्वल एरिया होगा. सो कोई भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर होते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं.